प्रणाम दीदी। प्रणाम भैया। कहाँ गए दीदी? भैया टीका करण दिए, वहीं के लिए टीका लगवे। दीदी अभी कौन चीज सब खेती उठले हरल छे? भैया अभी सब्जी उब्जी के टाइम छे, सब्जी उब्जी के ना खेती करबे। आ सब्जी में कौन चीज लगेबे दीदी? अभी भिंडीए लगेती है भैया। भिंडी? हाँ दीदी। भिंडी केना लगवे छिए भैया? भिंडी के बिया उपचार करके लगवे छिए। आ भिंडी के बीज उपचार करके लगवे छिए? हां भैया। दीदी हम फर्स्ट बार सुने छी भिंडी के बीज उपचार करके लगवे छिए। चलू भैया बता दे छौ हम या उपचार करबे बीज यहां। चलू देखबे। चलू दीदी तो हम सीख लेबे। चलू सिखा देबे दीदी। भिंडी के बीज उपचार करे की उद्देश्य छै? भिंडी बीज उपचार करे के मतलब उद्देश्य यह छै भैया कि कोनो जड़ में बीमारी नै लागै छै, अंकुरण आरो जल्दी आबै छै। बीज उपचार करला के हाउ देसे कि जर्म कोनो बीमारी नै लागै छै। कोनो बीमारी नै लागै छै भैया। अंकुरण भी जल्दी आबै छै। अंकुरण भी जल्दी आबै छै भैया। दीदी उद्देश्य दीदी। हां भैया अच्छा उद्देश्य छै। उद्देश्य तो दीदी बतला देलिए, आप अपना परिचय बता दिए। हां भैया बताबै छी। हमर नाम छै रंजना देवी, दुर्गा स्वयं सहायता समूह के कोषा अध्यक्ष छै, संतोषी जीविका महिला ग्राम संगठन के सदस्य छी। घर भेले कटबजरा, थाना मीरगंज, प्रखंड धमधा, पूर्णिया जिला निवासी के निवासी छी। पूर्णिया जिला के भिंडी बीज उपचार करे भैया जैसा सामग्री लागे छै आब हम बताबै छी। हां दीदी बतला द। हां बताबै छी भैया। भिंडी के बीज उपचार करे में भैया बीज टिन पाउडर लागे छै, प्लास्टिक के डिब्बा लागे छै, सूती कपड़ा लागे छै और पॉलिथीन लागे छै आरो पानी लागे छै। इतना सामग्री दी लागे छै बीज उपचार करे में? हां भैया इतना सामग्री लागे छै ओकरा बीज उपचार करे में। भिंडी के बीज छे भैया 100 ग्राम भिंडी? हाँ भैया 100 ग्राम छे भिंडी के बीज। ये बीस्टिन पाउडर एम लागे छे भैया। बीस्टिनो पाउडर? हाँ भैया वो छे। प्लास्टिक के डिब्बा छे भैया, प्लास्टिक के डिब्बो लागे छे। आ सूती कपड़ा लागे छे एम भैया 2 गो। आरो पॉलिथीन छे 2 गो, पॉलिथीन छे, पानी छे भैया। जे भिंडी के बीज छे भैया 100 ग्राम, एमे 200 ग्राम पानी डालबे डिब्बा में। बीज के दुगुना दीदी पानी? हाँ दुगुना पानी लागे छे भैया एमे बीज उपचार करे में। 200 ग्राम जे ई पानी छे भैया, आ 100 ग्राम जे भिंडी के बीज छे पानी में डाले छिए। आब एमे डाली देलिए भैया, आब जे अच्छा बीज हेते ओ तोर में बैठी जेते, आ जे खराब होते ऊपर में हेलते ओकरा निकाली के बिगी देबे। कितना देर दीदी छोड़बे? 20 मिनट तक छोड़बे भैया। बीज डाली के 20 मिनट तक छोड़बे? हाँ भैया 20 मिनट तक छोड़बे। जे अच्छा बीज रहते ऊ नीचा बैठ जेते? नीचा बैठ जेते। आ जे खराब हेते ऊ हेलते ओकरा फेंक देबे निकाल के छंकी। ऊपर में जे हेलते ऊ बीज खराब होले निकाल के बाहर करी देबे। हाँ ओकरा बाहर करी देबे। ई जे भिंडी के बीज जे छे भैया, ई जे 20 मिनट तक पानी में दा के हिले लिए, ई अच्छा वाला बीज जे देखे छिए ई सब बैठी गेले। ओ जे सब दबकावा बीज छे सब ऊपर में हेले छी बीज। ऊपर वाला सब खराब बीज छे? हाँ ऊपर वाला सब ई भैया खराब छे, एकरा छंकी के निकाली के फेंकी देते। आ देखिए भैया अच्छा बीज रे जे तो ऊपर में बैठी गेले, आ ओ जे खराब रे ओकरा सब बीज के फेंकी देलिए। जे हेले रे ओ अच्छा बीज नै रे खराब रे ओकरा फेंकी देलिए। आ ओकरा की करबे सूती कपड़ा से ढक देबे, ढक के घर में सुरक्षित जगह पर जाके छायादार में 8 घंटा एकरा फूले दे देबे। ये ढकी 8 घंटा रखबे सुरक्षित जगह में? हाँ सुरक्षित जगह में छायादार में 8 घंटा जाके एकरा राखी देबे। जाय छिए भैया आब 8 घंटा एकरा सुरक्षित जगह में घर में छायादार में अच्छा स्थान में राखी देबे। दीदी 8 घंटा थोड़ गेले? हाँ भैया आगू के हमरा प्रक्रिया करके बतला दिए। हाँ भैया 8 घंटा भरिए गेल, आब आगू के हम बतबे छी। या छकबे बकी? हाँ भैया आब हमरा छकबे। आब एकरा 10 मिनट तक भैया बेरबेल दै छिए। दीदी सूती कपड़ा पर रहल देबे 10 मिनट तक? हाँ 10 मिनट पानी ऊपर आ जेतै। हाँ पानी भरा जेतै। आ गेलै भैया एमे भरा गेलै। हाँ आब एमे व्यवस्थित हम लगेबै,
कोई लगबै से पहले मिलबै समय प्लास्टिक हाथ में लगा लै छी। दीदी प्लास्टिक लगाना जरूरी छ? हाँ भैया लगाना जरूरी छ, कि दवाई होय छै जहरीला होय छै व्यवस्थित नै से लगाय लेबै ने तऽ हाथ में फरा फंसी नै होतै भैया। आब जे छै भैया हम व्यवस्थित निकालै छियै, ओहिमे दू चुटकी निकालि के दू चुटकी दीदी हाँ दू चुटकी दए के एकरा में मिलेबै, एकरा मिला दै छियै भैया। हम बेबिस्टिन केना मिलेलिए? बेबिस्टिन मिलेने तऽ फफूंद नाशक के काम करै छै भैया, एमे मिलेला सँ। ओ ई बेबिस्टिन जे छै ई फफूंदी नाशक के काम करै छै? हां भैया ओही से दीदी हम बेबिस्टिन मिलेलिए। ओही से मिलेलिए भैया, एकरा में बेबिस्टिन तऽ एकरा में मिलाइए देलिए भैया। आब एकरा सूती कपड़ा में बांध के 8 घंटा अंकुरण के लिए एकरा राखी देबै घर में। 8 घंटा रखबै दीदी अंकुरण के लिए? हां एमे जे नमी नै रहतै तैमे पानी के फूक नमी नहीं रहला पे पानियों के छिड़काव करे पड़ते। हाँ पानियों के छिड़का देवे ना नमी अतै। दीदी भिंडी बीज उपचार करला से की लाभ छै? अच्छा और खराब बीज जे छै भैया, बीज ए लिए उपचारित करल जाय छै, अच्छा और खराब, खराब जे रहै छै ओ छाँट करके निकाल देल जाय छै, अच्छा जे बीज रहै छै ओकरा लगायल जाय छै, पौधा जे छै स्वस्थ रहै छै और समय से पहले ही फल दै छै, बढ़िया फरी दै छै। बीज उपचार करला से इएह लाभ छै दीदी, बीज के छटाई होय छै। हाँ खराब बीज जे छै ओ छाँट छटाई होय छै और समय से पहले फल लगै छै, फल दिए लागै छै भैया, इएह लाभ छै। दीदी भिंडी बीज उपचार करे में कोनो सावधानियो रखे पड़े छै? हाँ भैया सावधानी रखे पड़े छै, बताय दै छी हम अपने। हाँ दीदी बताय दी की सावधानी रखे पड़े छै? हम बताय दै छी, सावधानी यह रखे पड़े छै कि पानी समान होना चाहिए, बेबस्टिन मिलाबे से पहले हाथ में दस्ताना या पोलोथिन पहनना जरूरी छै भैया। बीज में भैया बेबस्टिन मिलाय के 8 घंटा सूती कपड़ा में बांध के रखना छे अंकुरण के लिए, 8 घंटा तक पानी में फूले ले देना छे। दीदी हमरा तो भिंडी बीज उपचार करे विधि बतला दिलिए, किसान दीदी भाई कोनो संदेशो देल चाहे छे? हाँ भैया संदेश देल चाहे छी कि हम चाहे छी किसान भैया दीदी सब भिंडी बीज उपचार करके लगाबे जकरा से कि अधिक उपज होय छे। दीदी तो अपना कीमती समय निकाली जे हमरा भिंडी बीज उपचार करे विधि बतले लो, ये हम बहुत अच्छा से खी गेलिए, एकरा लिए तोरा बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।